हाय दोस्तों, कैसे हो। माय ब्लॉग चैनल एस पी एन 07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज मैं दरभा घाटी और झिरम घाटी दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। ये रोड छत्तीसगढ़ बस्तर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर स्थित है। दोस्तों यह रोड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को भी जोड़ता है। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो आइए चलते हैं दरभा घाटी और झिरम घाटी की खूबसूरत नज़ारा और खतरनाक घाटियों का दृश्य। दोस्तों यहां से शुरुआत होती है दरभा घाटी। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत घाटी है। आज मौसम भी मस्त लग रहा है। आप देख सकते हैं अभी बारिश का मौसम है, लेकिन आज खिलखिलाती हुई धूप निकली हुई है। यहाँ पर बारिश के समय घोर घनघोर कोहरा छाया रहता है। ऐसे मौसम में आने जाने वालों को थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों देखिए, दोस्तों आगे एक खतरनाक घाटी है। अभी हम माँ बंजारिन माता टेंपल में पहुँच चुके हैं। टेंपल के पास खड़े वाहन देवी माता का दर्शन कर जाते हैं। आप कभी इस रास्ते से होकर गुजरते हो तो माता का दर्शन अवश्य करें। ये देखिए माता का मंदिर। मान्यता है कि जो भी मनोकामना देवी माँ से मांगी जाती है वह अवश्य ही पूरा होता है। Oh,
दोस्तों यहाँ से शुरुआत होती है झीरम घाटी। आप देख सकते हैं दोनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ यह मनमोहक दृश्य। यहाँ से होकर गुजरने वालों को आनंदमय की अनुभूति होती है। और कितना खूबसूरत ये झीरम घाट। आगे एक खतरनाक मोड़ है जहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। अभी हम झीरम घाटी की अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। आगे दो खतरनाक मोड़ हैं ये आप देख सकते हैं। कितनी खूबसूरत घाटी ये देखिए खतरनाक घाट। आगे एक मोड़ है यहाँ से
घाट समाप्ति के पश्चात झीरम बस्ती लगा हुआ है। ये पूरा ग्रामीण इलाका है। सामने से पिकअप और मारुति वैन गुजर रही है। आप देख सकते हैं ट्रक धीरे से घाटी की ओर आगे चल रहा है। ये ग्रामीण अपनी जीवन यापन की पूर्ति हेतु मशरूम और बांस का बंबू यानी लोकल भाषा में वास्ता को बेच रहे हैं। आप देख सकते हो। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।